इस वक्त मौजूद हूँ मैं अलीपुरद्वार जिले के सुहासिनी चाय बागान में, जहाँ इस वक्त मैं एक ऐसा दृश्य आपके समक्ष दिखाना चाहूँगा जहाँ आप देख सक रहे हैं कि यहाँ प्लास्टिक से जैसा तैसा ढका हुआ घर है। और आप थोड़ा सा, आपको मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा आप यहाँ का दृश्य दिखाइए कि किस कदर यहाँ के लोग कितने कष्ट में अपने जीवन को चला रहे हैं। मैं आपको फिर से थोड़ा सा पीछे जाना बोलूँगा और थोड़ा सा दृश्य दिखाने बोलूँगा कि अंदर का कि किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना से उन्हें वंचित रखा गया है। यह किस कारण से हुआ है इस बात को पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इनका घर प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखा गया है। इस वक्त हमारे समक्ष एक ऐसे युवक मौजूद है जिनसे हम बात करते हैं कि आखिर उनका घर को क्यों वंचित रखा गया। जी हाँ, आपका नाम? तो आपका घर का ऐसा दृश्य है और आपको इतना दिक्कत हो रहा है, कैसे अपना जीवन को चलाते हैं? और आपका घर क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं है? कब से यहाँ रहते हैं? तो आपका अपना जीवन काल में आज तक आपको घर नहीं मिला? नहीं। और इस बार नया घर आया, उसमें आपका नाम आया? नहीं आया सर। आपका घर नाम नहीं आया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसके घर के जो प्रधान है वो यहाँ के निकट के एक लाइन होटल है वहाँ काम करती है। और इनका कोई वास्तविकता बोलने से इतना बड़ा कुछ काम नहीं है, उनके परिवार किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसी मैदान में परसों यहाँ CM यानी राज्य की मुख्यमंत्री आ रही है। और राज्य की मुख्यमंत्री को मैं एक बात को केंद्रित करना चाहूँगा कि मैम थोड़ा सा यहाँ चलकर आइए और सुहासिनी चाय बागान को देखिए कि सुहासिनी चाय बागान में ऐसे कई घर है जिन्हें उनको आवास योजना से वंचित रखा गया है। इसके साथ साथ मैम मैं आपको ये भी बात कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र इलाके में ऐसे कई चाय बागान क्षेत्र इलाके हैं जहाँ आवास योजना से उन्हें वंचित रखा गया है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि लोगों को घर नहीं मिल रहा है, घर मिल रहा है, लेकिन जब ऐसे ऐसे घरों को नहीं मिलता है तो ज़रूर इस पर सवाल उठाते हैं।